निरुमा हमारे घर में खाने के लिए भी ये प्रॉब्लम होता है कि हम हस्बैंड वाइफ को सादा खाना पसंद, भाखरी साग ऐसा खिचड़ी, और बच्चों को नया नया खाना चाहिए रोज़ रोज़, तो कैसे एडजस्ट करें इसमें? तो करना पड़ता है, बच्चे थोड़ी रोज़ ऐसा खिचड़ी और रोटी सब्जी खाएंगे। लेकिन लेकिन दो रोज़ रोज़ थोड़े अच्छा रोज रोज तरह तरह के खाने बनेंगे। अरे बिठा के कॉम्प्रोमाइज करना है, बोलना है तो हफ्ते में कितने दिन ये होगा और कितने दिन तो तुम्हारा पसंदगी का होगा, हमारे पसंदगी का है, कितने दिन उनको चाहिए और आपको क्या है, इसका बैठ के कॉम्प्रोमाइज करो, दो बार तीन बार क्या उनको चाहिए। आप अपनी खिचड़ी पका लेना साइड में, लेकिन उनको भी तो कुछ देना चाहिए। लेकिन तो बाहर खाते खा के आते हैं ना, तो ऐसा ऐसा बोलते हैं कि ऐसा बनाओ, पिज़्ज़ा बनाओ, और वो सब तो हमें आता नहीं है। पिज़्ज़ा तो तुझे आता है तो बनाना आता है तो कैसे बनाएगी? और रोज़ रोज़ वैसे ब्रेड वाली चीज़ें और ऐसा कुछ मांगते हैं, तो ये सेहत के लिए भी तो अच्छा नहीं होता। ये तो लगता है अपने को, फॉरेन में सब यही खाते हो, तगड़े होके घूमते हैं। सब निकाल देना। अंजू पटेल, हमारी पहचान वाली एक बहन थी, उसने अभी आत्महत्या कर ली है। वो आपका प्रोग्राम टीवी में देखती थी और मुझसे बोलती थी कि मुझे भी ज्ञान लेना है, तो अब उसका क्या हुआ होगा? तो फिर वो आ क्यों ना पाई हमारे पास? मालूम नहीं, वो अपने गुरु की बहुत भक्ति करती थी, पर उसका मन बहुत अशांत रहता था। उसके हस्बैंड का कोई प्रॉब्लम नहीं था, पर दूसरी फाइलों का बहुत प्रॉब्लम था। वो बहुत अशांत रहती थी, और मुझे एक दिन मिली तो बोली, उनको मालूम था कि मैं निरुमा क्या ज्ञान लिया है मैंने, तो उसने बोला कि मुझे भी लेना है, पर आ ना सकी, और अभी रविवार को भी उसने ऐसा कर लिया। आपका प्रोग्राम देखती थी तो बोली, मुझे बहुत शांति लगती है। बेचारी को भाव था तो कुछ, कोई जन्म में तो ज्ञान मिल जाएगा उसको। हाँ, वैसे तो बहुत भक्ति तो इतनी करती थी ना, बहुत करती थी। हालांकि ऐसा होता है कि बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं हमारे पास जो टीवी देखते हैं और आत्महत्या करने जाते हैं, और टीवी देखना शुरू होता है तो फिर बाद में वो आत्महत्या करना बंद कर देते, छोड़ देते और हमारे पास आ जाते हैं, और उनका पूरा परिवर्तन हो जाता है। यदि ये आ जाती थी तो उसका परिवर्तन हो जाता था। हाँ, मुझे भी बहुत ऐसे मन में हुआ कि मैंने क्या कम उनके पास जाके थोड़ा प्रयत्न किया होगा, मैंने टाइम दिया होगा तो वो उसमें बच जाती। उसने बोला था मुझे फ़ोन करना, आप ज्ञान लेने जाओ, तो फिर एक दो बार मैंने कहा उनको, पर बोला अभी नहीं अभी नहीं। अभी एक महीने के पहले मिली थी तो आप आई नहीं, मैंने बोला कि नहीं नहीं आ सकी, वो अभी आना है मुझे। उसके आत्मा को प्रार्थना करते रहना, और क्या। हाँ, उसके दो बच्चे भी छोटे हैं, ऐसे बहुत उम्र भी नहीं थी उसकी। यही बहुत बड़ी वीकनेस है लोगों। मृत्यु से कोई दुखों का अंत आता है, यह मान्यता ही गलत है। अनुकारिया, कभी उत्तम आनंद की दशा में ये आनंद आत्मा का आनंद है या मन का है, कैसे जाना जाए? अभी बहुत कुछ जागृति रहने लगी है, समय समय पर ज्ञान भी बहुत जल्दी हाजिर हो जाता है, तो आत्मा का आनंद थोड़ी देर को ही सही। कभी कभी ऐसा होता होगा क्या, यदि किसी व्यक्ति का सिर्फ नाम याद रहे, याद आने से अंदर चुन चुन हो, अच्छा नहीं लगे, जबकि अभी काफ़ी समय से उनसे
किसी भी प्रकार की कोई बात ही नहीं हुई है तो उसे क्या समझा जाए, और फिर उसका नाम आए फिर भी मन में शांति बनी रहे उसके लिए क्या करना किया जाए अंजू, उसके लिए प्रतिक्रमण करना चाहिए। अभी उसके साथ तो आपका कोई अभी कोई कनेक्शन नहीं, कुछ प्रॉब्लम नहीं, फिर भी आपको जो अब उसके लिए आपके पहले के जो अभिप्राय गिर गए हैं, ओपिनियन गिर गए, वो आपको सताते हैं, तो उसके लिए आप प्रतिक्रमण करो और आपको जो भी गलत नेगेटिव उसके लिए ओपिनियन है उसको निकाल के फेंक दो। आफ्टर ऑल इज अ जेंटलमैन, इज अ वेरी गुड मैन, जो भी कोई हो उसके लिए पॉजिटिव रखो। क्या आप प्रतिक्रमण करने को बोलते हैं कि अपनी सीट पर रह के करें? हाँ, तो प्रतिक्रमण करते समय बोलना पड़ता है कि मैं माफ़ी मांगती हूँ और मैं शुद्ध आत्मा हूँ, ये दोनों कैसे अलग रखा जाए? अंजू को कहना कि अरे अनु को कहना कि अनु प्रतिक्रमण कर, अब तो आप अनु के पास करवाती हो, खुद होके नहीं करती हो, मैं शुद्ध आत्मा हूँ यह ख्याल में रखने का है, और अनु ने गलती की है तो अनु के पास माफ़ी मांगवानी है, प्रतिक्रमण करवाना। हाँ, वो थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, वो क्या धीरे धीरे प्रैक्टिस से आ जाएगा? हाँ आ जाएगा, जिसे प्रतिक्रमण कहने के करने से पहले अनु से आप अलग हो जाओ। अच्छा, फिर बाद में करवाओ। मैं अलग हूँ, अनु अलग है, मैं शुद्धात्मा अलग रिलेटिव है। अच्छा, और वो जो सबसे पहला सवाल है वो कभी कभी वो आनंद का उच्छाड़ा आता है, तो वो कौन सा वाला है, कैसे समझा जाए? जब बाहर की कोई चीज़ ना हो, बाहर का कोई आलंबन नहीं है और ही अंदर से ही आनंद आता है, किसी बाहर का आलंबन नहीं है तो वही अंदर का रियल आनंद है, और फिर हौले हौले वो बढ़ते जाता है आनंद। पुष्पा बहन, मेरी लड़की ने लव मैरिज की है लेकिन उनके पति उसको मारते हैं, मुझे बहुत चिंता होती है, मुझे हार्ट ट्रबल हो गया है, कृपया उपाय बताइए। पुष्पा बहन, बहन अभी आप एक तो लड़की को ट्रबल हो गई है और आप अपने हार्ट को दोबारा डबल ट्रबल कर रहे हैं, कब करने के क्या फ़ायदा, जो हुआ सो हो गया, अब अपना संभालो, बहुत अपनी इतनी असर होने मत दो, बहुत तो बेटी को समझाओ, पति को, उसके पति को, दामाद को समझाओ। नहीं, उसको समझाने से कोई फ़ायदा नहीं, अभी दो तीन दफ़े छुरी भी बुलाई थी उसने, क्या तो उसको छुरी भी बुला देते कभी, छुरी हाँ, फिर मेरे को तो चिंता होती है ना, मेरा हस्बैंड भी नहीं है, अभी मैं सारा दिन मैं विचार में रहती हूँ क्या करूँ मैं, अब क्या आपको क्या करना है, आप कुछ नहीं कर सकती हो। कभी कभी आत्महत्या करने का भी विचार मन करता है, क्या करो अभी, आपको आत्महत्या करने की क्या जरूरत है? नहीं, लड़की की ऐसी चिंता है, दो छोटे बच्चे हैं तो मेरे को तकलीफ तो होती है ना। नहीं, कुछ होने की जरूरत नहीं है बहन जी, लड़की आपकी लड़की को नहीं ऐसा विचार आता है, और आपको क्या आता है आने, ऐसा करने से क्या फायदा होगा, वो इतनी दुखी है फिर अब मेरे को तो चिंता होगी ना। यही आपकी गलत समझ है, क्या आत्महत्या करने से वो सुखी हो जाएगी कि और डबल गुड दुखी होगी, क्या लगता है आपको? वो तो सही बात है, तो फिर सही बात है तो सही रास्ते पे चलो ना, या उल्टा रास्ता क्यों पकड़ती हो, और फिर उसने अपनी मर्जी से किया है तो फिर आप क्या कर सकोगी, इतना मारपीट करता है तो फिर तो सोचना पड़े ना हम लोग को, तो फिर ले आओ अपने घर पे, ले आओ थोड़े दिन अपने घर पे रखो और कहो कि अपने पैर पे खड़ी रह जाए, बस तो वही रास्ता निकाले ना अभी, तो और क्या कर सकते हैं, तो छुरी तक आ गई बात, तो फिर हाँ फिर कुछ भी कर डाले तो फिर, लेकिन लड़की तैयार होनी चाहिए ना बहन, लड़की को अभी आने को तैयार रही दे, तो ले आओ उसको थोड़े दिन रखो, देखो फिर क्या होता है माहौल आगे, और फिर अगर सच में जो उसमें लड़के में परिवर्तन आया तो उसको ले कहना कि तू ले जा उसको, और कोई इधर बीच में आर्बिट्रेटर रखो, और इसकी जिम्मेदारी लेने वाला कोई तैयार रहा तो लड़की को भेजो,
कि भाई ऐसा दोबारा नहीं करेगा, नहीं तो थोड़े अपने पास रखो थोड़े दिन। और लड़की पढ़ी लिखी है या इस नहीं है पढ़ी? नहीं, बीकॉम हुई है वो। तो फिर उसको बोलो अभी नौकरी वोकरी शुरू कर दे, ढूंढने पैर पे खड़ी होना शुरू कर दे। समझ में आया बहन? हाँ समझ गई। और ऐसे मरने के विचार मत करो, उसके लिए पश्चाताप करो, ये गलत विचार थे, रास्ता निकालो। मरने से क्या फ़ायदा? तो आप मरोगे तो फिर दूसरे दिन लड़की भी मर जाएगी दोनों बच्चों को लेके। ये कभी सोचा है? वो आपके सहारे जीती है तो आप मर जाएंगे तो और फिर किसके सहारे जिएगी वो? उसको प्रेम से रखो और हिम्मत दो उसको कि कुछ नहीं तो मैं तू हूँ बेटी तेरे साथ, आ जा मेरे पास, मैं रखूँगी अगर बहुत कुछ जो तुझे बहुत परेशान अगर करता है तो। लड़का कमाता धमाता है कि ऐसा ही कुछ है? कुछ नहीं कमाता है भाई, उसको बेचारे को बहुत परेशान करता है। और सगा वाले के पास बेचारे हाथ लंबा के पड़ती है, क्या करेगी वो? तो फिर ले आओ अपने पास लड़की को और उसको कहो नौकरी ढूंढ लो। जय सचिदानंद। नई जिंदगी शुरू कर, बोलना बच्चों को तो संस्कार मिलेंगे। नीरुमा, मैं मेरे हस्बैंड के साथ जब भी स्कूटर पे जाती हूँ ना तो उनका हमेशा हमारा यही बात के लिए झगड़ा होता है कि आप हमेशा स्कूटर चलाते हो ना तो खड्डे में ही लेके जाते हो, तो मेरे को पीछे से कमर में झटका लगता है। तो वो बोलते हैं फिर जब भी कभी आगे खड्डा रहेगा ना तो मैं बोलती हूँ संभालना आगे खड्डा है खड्डा है, तो बोलते हैं तू मेरे को टोक टोक काहे को करती है, मेरे को खुद को चलाने को आता है नहीं तो तू चलाने बैठ जाए। ऐसे ही उनका चालू रहता है हमेशा। हमारा कभी भी झगड़ा होता है ना तो यही बात के लिए झगड़ा होता है कि बेटर उसके पीछे स्कूटर पे बैठना छोड़ दे। हाँ, बस यही इतना तक भी बात हुआ हमारा। एक ही बात है तो उतनी बात बंद कर दे। उसको कहना आप स्कूटर पे जाओ, मैं पैदल आती हूँ, बस में आती हूँ या रिक्शा में आती हूँ, लेकिन आपके पीछे स्कूटर में नहीं आती हूँ। झगड़ा खत्म। मैं स्कूटर के लिए मुझे ही वापस ये होता है, बस में और उसमें जाने का मुझे ही कंटाला आता है तो मैं ही वापस बोलती हूँ स्कूटर पे चलो। तो फिर थोड़े खड्डे का इस अनुभव भी करना, बोलना बंद करो। क्या ठीक है? नीलमा जय सत्या, मुझे 3 बेटियां हैं तो मैं उसको जब भी काम बताती हूँ ना तो नहीं करते, लेकिन उसका पप्पा जो बताता है ना तो करते हैं, तो उसके क्या वजह है? हाँ, उसकी वजह ये है कि आपको उस बेटियों के साथ किस तरह से पेश आना, काम आपका सुनती नहीं है और उस पिता का सुनती है, तो आप में कुछ काम दिखाने में कुछ तकलीफ है। आप प्रेम से नहीं कहती होगी, क्रोध से, अहंकार से, ऑर्डर से कहती होगी। वही स्वभाव ऑर्डर वाला बहुत। हाँ, तो आजकल के ज़माने की लड़कियाँ थोड़ी सुनेगी, वो तो आपको ऑर्डर करे ऐसी है वो जाती है। बड़ा गर्म मिजाज की होती है लड़कियाँ, पढ़ी लिखी लड़कियाँ रहती है तो उनमें अहंकार ज़्यादा हो जाता है। और तीनों लड़कियाँ पढ़ी लिखी रही है तो उनको हमारी छोटी छोटी गलतियाँ अगर उनकी नज़र में आ गई तो अंदर अंदर हंसती हैं, देखो ना मम्मी को कुछ आता नहीं है, उसको कुछ समझता ही नहीं है। तो माँ के लिए उनको डिवेल्यूशन हो जाती है। और आप भी क्रोधित होके या कुछ डांट टपट के उनके साथ बातें करें तो आपके लिए उनको एक प्रकार का अभिप्राय ही बैठ जाता है कि मम्मी तो ऐसी ही है, समझती ही नहीं है, अपना ही मनमानी करती है, ऑर्डर वाली है, वो मानते नहीं ना इसलिए गुस्सा आ जाता है। हाँ, तो ये भी एक बार चालू हो गया ना, विशेष सर्कल चालू ही हो जाता है, फिर कहाँ से शुरू हो और कहाँ उसका एंड आता है कुछ पता नहीं चलता है। तो आपको ही कुछ पूछताछ करना पड़ेगा, आपके पति किस पति का मानती है, आपका नहीं मानती, तो आप। हाँ, ये बात सच है कि आपको अपने बेटियों के साथ ज़्यादा काम लेना पड़ता है, पर बाप पिता को अपने बेटियों के साथ कम काम लेना पड़ता है, लेकिन
माता को ज़्यादा लेना पड़ता है, इसलिए वहाँ ज़्यादा संघर्ष होता है। कई बात वो सुनती नहीं है तो हमारा दिमाग आउट हो जाता है, तो उस समय सप्ताह में रहना पड़ता है। जितना काम किया उतना बहुत अच्छा है, प्रेम से कहो तो करेगी, उसको मान देकर बहुत अच्छी बेटी, बहुत होशियार है, तेरा उससे बहुत अच्छा काम होता है, ऐसा कह के काम करवाओगी तो बहुत खुशी खुशी करेगी। लेकिन आप उसके काम में अगर गलतियाँ निकालोगी, अरे रोटी तो ऐसी कच्ची बनाती है, गोल तो बनती नहीं है, ऐसे हिंदुस्तान के नक्शे के जैसी निकालती है, ऐसा वगैरह बोलेगी तो फिर वो काम करना बंद कर देगी। हम भी तो कुछ कम नहीं है, सुनाते भी तो है बारे पानी, उसको एनकरेजमेंट हो ऐसा नहीं करते, उसको डिस्करेज करते हैं, फिर उसका दिमाग आउट हो जाता है, फिर हमारे से ऐसा अभिप्राय ऐसी ग्रंथि बन जाती है, मम्मी तो ऐसी है समझती ही नहीं। निरुमा, ऐसा नहीं है कि हमको नहीं सीखना है, स्टडीज़ है, प्रोफेशन है, सब कुछ है, तभी अगर ये बोलें कि नहीं तुम ये भी ठीक से करो, ये भी ठीक से करो, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता है, तभी उनको भी दुख होता है, हमको भी दुख होता है। सच्ची बात है, थोड़ा माता पिता ने पर्टिकुलर माँ ने भी तो समझना चाहिए उनकी क्या मुसीबतें हैं। कहते हैं आजकल के बच्चे भी कहते हैं कि हमें दिल से तो ऐसा नहीं है कि हम हमारे माता पिता को दुख दें, उनका कहना न सुने, लेकिन जो माता पिता का भी शॉर्ट टेम्पर हो जाता है ना, छोटी छोटी बातों में वो भी टिक टिक चालू कर देती है, बहुत किटकिट करती है, सारा दिन बुम 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 मारती है माँ बेटियों को, ये ठीक से नहीं किया, वो ठीक से नहीं किया, ये काम भूल गई, वो नहीं किया, तो फिर उनका भी अहंकार बहुत उछलता है। कहते हैं आपको हमारा काम पसंद नहीं है तो जाओ, हम नहीं करते, आप ही करो। फिर अगर ऐसे बोलते हैं अगर हम के ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, तो फिर ऐसे बोलते हैं कि आप आर्ग्यूमेंट कर रहे हो, तो इस बात पे भी बहुत बहस होती है कि नहीं तुम आर्ग्यूमेंट ही ज़्यादा करते हो, तुमको और कुछ तो आता नहीं है, तुम आर्ग्यूमेंट करने में बस माहिर हो, ऐसा होता है कभी कभार। फिर आप एक बार दो बार आर्ग्यूमेंट बताना उनको, अगर वो बात उनको दिमाग में नहीं घुसती, उसको उनको लगता है कि ये आर्ग्यूमेंट करती है, तो फिर आपने भी बोलना बंद कर देना, कोई फ़ायदा नहीं है कहने से। आप एक बार तो दो बार तीन बार बता चुकी हो कि आपकी क्या तकलीफ है, क्यों नहीं हो कर पाती, अगर फिर भी उनको नहीं समझ आता फिर आप मौन हो जाओ, हो सके उतना करो, और ना हो तो कहना कि ठीक है अब मैं दोबारा ध्यान रखूँगी करके वहाँ ही कट शॉर्ट कर दो। आपको भी उतना ही मन में होते रहता है कि ऐसा क्यों करती है माँ, मम्मी ऐसा क्यों करती है, वैसा क्यों करती है, हमेशा ऐसा करती है, तो फिर वो हमारा भी मन खट्टा हो जाएगा, उसके वाइब्रेशंस उसको भी गए जाएंगे, वो भी और बिगड़ती जाएगी। समझ में आया? मैं अभी 21 का हूँ, अभी 28 का हूँ, लेकिन जब से मैं ये बिजनेस में आया हूँ तो मेरे यही एक प्रॉब्लम पहले से चालू रही है। मैं कोई भी फील्ड में जाता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा बॉस है, मैं कोई भी फील्ड में जाता हूँ तो उसका जो बिजनेस है वो तहस नहस हो जाता है, ऐसी मेरी थिंकिंग है। मेरे पापा कहते कि नहीं ये तेरी थिंकिंग है, लेकिन मैं अभी तक 7 बरस में ऐसा ही हुआ है कि मैं कोई भी फील्ड में जाता हूँ, कोई भी बॉस के वहाँ नौकरी करता हूँ वो तहस नहस हो जाता है। तो ऐसा क्या ये लक पे डिपेंडेबल होता है कि लक के हिसाब से ऐसा होता है कि मेरी ये थिंकिंग है, और इससे ज़्यादा कभी कभी बहुत डिप्रेस हो जाता हूँ कि रात को नींद नहीं आना, और जैसे खराब एकदम गलत गलत सोच आना कि डिप्रेशन से सुसाइड करो ऐसा ऐसा। नहीं ये तो सब हमारे जीवन में जो भी होता है हमारा ही हिसाब है पूर्वों का, इसे हिम्मत हारने की ज़रूरत नहीं है, डिप्रेशन में जाने की ज़रूरत भी नहीं है। ऐसा थोड़ी कि हमेशा हमको सक्सेस ही मिले, कभी कभी हमें
सक्सेस नहीं भी मिलता है तो उससे नासी पास होने की ज़रूरत नहीं है, हिम्मत से चलो बढ़े जा बढ़ते जाओ आगे, कभी ना कभी कहीं ना कहीं आपको सक्सेस मिल जाएगा। नेगेटिव थिंकिंग में मत पड़ो, सुसाइड के लिए तो बिल्कुल मत, बहुत खतरनाक चीज़ है। एक बार सुसाइड किया या सुसाइड करना सोचा ना तो भी ऐसे कर्म के बीज बोए जाते हैं कि फिर सात जन्म तक ऐसा ही हमें मिलता है सुसाइड करने का, इतना भुगतने का, इतना टेंशन, इतना टॉर्चरिंग माइंड को, और फिर मरना आत्महत्या करके। तो यदि ऐसा कुछ आपने गलती से सोच लिया हो तो आप उसके लिए पश्चाताप करो और तय निश्चय करो कि ऐसा मुझे कुछ करना ही नहीं है, और ऐसे विचार आए तो उसमें मेरी कोई साइन नहीं है, मैं कभी ऐसा तो नहीं ही करूँगा। विचार आए तो भी उसको इग्नोर करो, ऐसे विचार को आप बिल्कुल रिस्पॉन्स मत दो, गेट आउट कर दो, समझ में आया ना, और अपने काम करते जाओ, घर पर जाओ, करते पॉजिटिव रह के जितना काम करोगे उतना सक्सेस मिलेगा। नेगेटिव आया ना तो फिर सक्सेस में भी वेवरिंग हो जाता है। अब तो मैं क्या है निरुमा, कोई भी मेरे को बोलता है कि तू चल मेरे साथ पार्टनर में हो, मेरा कज़िन आया था, मैंने बोला नहीं मैं तेरा पार्टनर नहीं होऊंगा, तू तू तहस नहस हो जाएगा, मैं तेरा पार्टनर रहूंगा ना, तो ऐसी ऐसी थिंकिंग हो जाती है कि किसी भी आदमी के साथ जुड़ जाने से वो गला वो उसका सत्यानाश निकल जाता है, ऐसी मेरी थिंकिंग ही रही। अभी पहले से आया हो तो तब अभी तक किसी भी धंधे में गया हो, अगर डायमंड में रहता हो तो डायमंड में मंदी आ जाती है, डायमंड्स में हमेशा निकल के टेक्सटाइल में आता हो तो उसमें मंदी आ जाती है, मैं जहाँ पे होता हूँ वहाँ पे मंदी होती है। यहाँ पर आओगे तो बहुत तेजी होगी आपकी और हमारी दोनों की। अभी अभी मैंने यही सोचा कि यही एक क्षेत्र यही एक फील्ड है कि जहाँ पे मंदी तेजी का कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा, यहाँ पे तेजी तेजी रहेगी। हाँ तेजी तेजी रहेगी।